हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समाज सेवा टेक। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से एक एडमिशन नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो इस वीडियो में हम उसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर क्या है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर है 31 ऑफ 2020। जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने नोटिस निकाला है कि बीएड प्रोग्राम के लिए, और ये जो प्रोग्राम रहने वाला है 2 साल का, जो बीएड का कोर्स होता है, ये रहने वाला है डिस्टेंस मोड में। तो अगर सेशन की बात की जाए तो सेशन है ये 2020। तो चलिए फर्दर डिस्कशन करते हैं नोटिफिकेशन के रिलेटेड। तो नोटिफिकेशन में लिखा है जी, ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम ऑफर्ड थ्रू डिस्टेंस ऑफर्ड थ्रू डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2020। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू परस्यू द एडमिशन पॉलिसी एंड अदर रेलिवेंट स्टैट्यूज अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट थरोली एंड चेक एलिजिबिलिटी अदर डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। क्या कह रहा है कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं एडमिशन के लिए, बीएड की एडमिशन के लिए, उनको इनवाइट किया गया है कि वो क्या करें, बीएड प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें। देन उसके बाद अगर एकेडमिक सेशन की बात की जाए तो एकेडमिक सेशन है 2020। देन उसके बाद कहा गया है कि कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर जो भी इस कोर्स के रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसको रीड करें, पहले उससे थॉरली स्टडी करें, देन उसके बाद जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएड में एडमिशन लेने का। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट 50% मार्क्स उनके होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर या फिर उनकी मास्टर डिग्री के अंदर। देन उसके बाद जो है अगर रिज़र्व कैटेगरी की बात की जाए तो रिज़र्व कैटेगरी के लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो है 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर डिग्री में। तो उसके बाद जो है उसके बाद कहा गया है मास्टर डिग्री चाहे साइंसेज में हो, सोशल साइंस में हो, ह्यूमैनिटी में हो, और या जो बैचलर्स इन इंजीनियरिंग है और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, इनके लिए जो है 55% मार्क्स रखे गए हैं। देन उसके बाद जो है ये जो कोर्स रहने वाला है ये डिस्टेंस मोड ही होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएंगे जी 24 जून 2021 से। देन उसके बाद जो लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की और उसके बाद जो है फ़ी पेमेंट की, वो रहने वाली है 4 जुलाई 2021। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। तो जो कैंडिडेट की सिलेक्शन है वो होगी एकेडमिक मेरिट पे, जो भी उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा उसके एकेडमिक मेरिट बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी। तो ऑनलाइन जो है फॉर्म आप कश्मीर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.kashmiryuniversity.net और www.kashmiryuniversity.ac.in पे जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो है 24 जून 2021 से। ऑनलाइन लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा 24 जून से। आप बीएड डिस्टेंस मोड प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर। देन उसके बाद जो है ये कुछ स्टेप्स कि कैसे रजिस्टर करना है, वहाँ पे जाके क्लिक
करना है, कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। जिस दिन लिंक एक्टिवेट हुआ तो हम जो है इसके रिलेटेड हम डिस्कशन हो टू अप्लाई पे वीडियो बना देंगे। तो आपको हमारे चैनल समाज सेवा टेक पर वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। देन उसके बाद जो है कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। द कैंडिडेट्स आफ्टर सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीड नॉट टू सबमिट हार्ड कॉपी एंड मस्ट कीप हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद देम फॉर रेफरेंस। फी डिपॉजिशन एंड फी रिकॉन्सिलेशन शैल बी ट्रीटेड एज फॉर्म सबमिशन। क्या कह रहा है कि आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फी अपनी पे कर देंगे, तो आपको हार्ड कॉपी जो है यूनिवर्सिटी में सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपने अपने पास रखनी है। किसके लिए? फर्दर रेफरेंस के लिए। तो देन उसके बाद ये कुछ इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर ये मैं डिटेल में डिस्कस करना शुरू हो गया तो वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद जो है रीड कीजिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो आज की वीडियो में बस आपको बस इतनी ही जानकारी देनी थी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।